प्रथम दिन हमने ब्रह्म शैलपुत्री माँ की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी का दर्शन करते हुए आज नवे दिन सब काम पूर्ण हो, अच्छे से सिद्ध हो, ऐसे हम कहते हैं भाई ये काम अच्छे से सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो नवे दिन की ये पूर्णता के दिन हम भगवती सिद्धिदात्री को प्रणाम करके, माँ सिद्धिदात्री, दात्री याने देने वाली, दात्री, दात्री याने क्या, धनदात्री याने क्या देगी, शुभ धात्री याने क्या देगी, आनंद धात्री याने क्या देगी, सौख्य धात्री, सौभाग्य दात्री, ये है सिद्धिदात्री। कौन है सिद्धि याने, आप कहते हो मैं जा रहा हूँ महाराज जी मेरा काम सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद कहते हो कि नहीं मेरा काम सिद्ध हो जाए। कोई भी वस्तु सफल होने को सिद्धि कहते हैं। शास्त्र आठ सिद्धियों की बात करता है, कितनी सिद्धि, आठ सिद्धियों की बात करता है। मार्कंडेय पुराण में आठ सिद्धि, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 16 सिद्धियों की बात आती है। आठ सिद्धि, अनिमा लघिमा महिमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति और प्राकाम्य, आठ सिद्धि। 16 सिद्धियों में परकाया प्रवेश, सूक्ष्म स्थान परिवर्तन, स्वप्न दर्शन आदि 16 सिद्धि ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है। भगवती का नाम लेके आज जो भी भजन करता है, वो जो इच्छा करके पूजा पाठ करता है, वही काम सिद्ध हो जाने के कारण आज भगवती सिद्धिदात्री के नाम से पूजी जाती है, सिद्धि देने वाली। देखो कितना ही मेहनत किया भाई, हर आदमी चाहता है अंबानी बन जाऊं, टाटा बिरला बन जाऊं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्या सबको अंबानी बनने का मौका मिला? सिद्धिदात्री माँ जिसको सिद्धि देती है, वही संसार में कीर्ति और यश प्राप्त करता है। इस आख्यान में भगवती के नाम में आता है कि शंकर जी को संहार की शक्ति, शंकर जी में जितनी कृपा है वो सब सिद्धिदात्री माँ की कृपा से शंकर जी को प्राप्त हुआ, ऐसे ये आख्यान बताता है। इतनी कृपा जो शंकर जी की अर्धनारी बन के खड़ी हुई माँ, उसकी शक्ति से शंकर जी की शक्ति चलती है, ऐसे सिद्धिदात्री माँ का स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध होते। अब आप बताइए विष्णु जी नारायण जी के हाथ में क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, बताइए नारायण जी के हाथ में क्या क्या है, बोलो ना जोर से बोलो, कोई और क्या है, खाली शंख चक्र दो नहीं, हाथ तो चार है, चतुर्भुज है भगवान, भगवान चतुर्भुज है तो चारों हाथ में कुछ तो होगा, क्या है, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। सिद्धिदात्री माँ के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ये चार वस्तु, कितने वस्तु, इससे मालूम पड़ता है कि भगवती ही नारायण का रूप है और नारायण ही भगवती का रूप, इसलिए हम ऐसे कहते हैं नारायण की बहन है भगवती। नारायण जी के हाथ में शंख है, सिद्धिदात्री के हाथ में शंख है, नारायण जी के हाथ में चक्र है, सिद्धिदात्री के हाथ में चक्र है, नारायण जी के हाथ में गदा है, सिद्धिदात्री के हाथ में गदा है, नारायण जी के हाथ में कमल है, सिद्धिदात्री के हाथ में कमल। आप दक्षिण में आए हो तो वहाँ शिवा विष्णु मंदिर है, आधे शिव और आधे नारायण, इस तरफ आधे शिव आधे नारायण, और अर्धनारी भगवान का भी मंदिर दक्षिण में है, आधे शिव और आधा पार्वती। जिस जगह पार्वती का अर्ध स्थान है उसी अर्ध स्थान नारायण जी का है, वहीं अस्त्र शस्त्र लेके माँ सिद्धिदात्री नवमे दिन कमलासन पर दर्शन देती है। इस दिव्य रूप को प्रणाम करके नवे दिन जो भी श्रद्धा से उनका नाम स्तोत्र स्तुति पूजा अर्चन करते हैं, वो मनोवांछित कार्य की सिद्धि पा लेते हैं, उनके जीवन में मनोवांछित कार्य की सिद्धि पाने की श्रेष्ठ योग्यता आ जाती है।